अरे बच्चा ये क्यों कर रहा है? अक्षय कुमार समझता है क्या अपने आप को? अरे यार ये क्यों कर रहा हूँ? सीढ़ियों से चले जाता। तू अगर हिला तो गोली मार दूंगा। अबे अगर मर्द का बच्चा है तो हथियार फेंको और हाथ से लड़। अबे मर्दानगी की बात करता, अभी कपड़े उतार के तुझे बॉडी दिखाऊंगा। अबे पहले बंदूक तो फेंक। हाँ देख, तीन तक गिनते हैं फिर फेंकते हैं। ओके डन। वन टू तीन। बेबी चलो। नहीं अंकल मुझे छूने मत। क्यों? क्या बम लगा हुआ है? बस भाई बम तो बच्ची पे लगा हुआ है। हाँ ये पकड़, मैं देखता। ये क्या कर रहे हो? उधर धरो ना, धरो। स्कूल में कभी साइंस वाइंस किया था आपने? नहीं यार। तो फिर क्यों उंगली कर रहे हो? ऐसा करें इसको उठा कर ले आते अपन। लेकिन इसका रिमोट तो थापड़ के पास, और हम में से कोई इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं जो इस बम को डिफ्यूज कर सके। देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। अरे वो खन्ना यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? बाथरूम में। 2:05 रह गए हैं, उसे फौरन लेकर आओ, जल्दी करो। जल्दी करो, सिर्फ 5 मिनट रह गए। हो गया। वो क्या है ना, कभी कभी गैस। तुमको होता है कभी? बकवास मत करो, चलो यहाँ से। अरे यार गुस्सा क्यों होते हो? तुमको होगा ना तो मालूम पड़ेगा। ऐसे हैरान हो रहा है, गायत्री देवी तो होने वाली है। मैं पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से इस संस्था की कामयाबी और सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये मुबारकबाद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो मेरी धर्मपत्नी है उनका और मेरा। अगर आज वो नीचे ही नहीं आई तो ये सारा प्रोग्राम कैंसिल ना। चुप चुप बोल जी। वो आएगी, जरूर आएगी। देखा आ गई ना दोस्तों? जाओ, गुड लक। जैसे ही वो गोली चलाए उसे शूट कर देना। अब मैं गायत्री देवी से अनुरोध करता हूं कि वो माइक पर आए। गायत्री जी, थापर आपको जान से मार देना चाहता है। आपका सिक्योरिटी इंचार्ज उससे मिला हुआ है। ये सारी साजिश आपके पति की है, उन्होंने आपके पीए को भी मार डाला है। वो तो चली गई। कहाँ? उसकी मां को हार्ट अटैक हुआ है।
अगर आप फंक्शन में आएंगे तो मजबूरन मुझे आप पर गोली चलानी होगी, क्योंकि मेरे साथी और एक मासूम बच्ची थापड़ के कब्जे में है। मैं वही हूँ जो लिफ्ट में आपको ऑटोग्राफ के लिए मिला था। देखा गायत्री, मैंने तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। कहां भाग रहे हो? ये ले। बहुत होगी तेरी छप 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 छप, अब देख। जय हिंद। अब दबाओ बटन। नहीं अंकल, बम फूट जाएगा, हम सब मर जाएंगे। नहीं बेटी, ये तुम लोगों की तरह बहादुर नहीं है, ये तो कायर और डरपोक है। अगर ये बटन दबाएगा तो खुद भी मर जाएगा। विनोद अंकल, दबा बटन। ताऊ, दबा ना। आगे मत बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, वरना रिमोट का बटन दबा दूंगा। अगर वो बिल्डिंग के बाहर निकल गया तो रिमोट दबा देगा। मैं कोशिश करता हूँ इस बम को डिफ्यूज करने का। मेरी गैजेट वाली बैग लाओ। No. ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता, हमें किसी तरह इसका जैकेट निकालना होगा। नीचे गिराने की नहीं रखी है।
थैंक गॉड। चोपड़ा, अब इस जैकेट को हमें रिमोट के रेंज से कहीं दूर फेंकना होगा। सर उधर। रामलाल, चौकी, हाय ऊपर देखो। अबे यार, पासे भाई, ये गिर जाएगा। अरे वो थापड़ रिमोट लेकर भाग गया है। फिकर मत करना, हमने जैकेट बाहर फेंक दिया है। अबे यार, जैकेट की किसको फिकर है? मेरा कुछ करो, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। मत छोड़ना, हम लोग कुछ करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। आ जाओ वैसे भाई, हम आपको कैच करेंगे। आओ आ जाओ। अंकल, कैच छूट जाएगा तो आउट हो जाएंगे। वो कपड़ा देखो, इसको खींचो। अंकल बहुत अच्छे से स्लाइड करते हैं। चल चल चल, उठो उठो, जल्दी करो जल्दी करो। पीछे पीछे। Love you. I love you too. Thank you. ए गधो, तुमने आज तक सारे काम गलत किए हैं। अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। जैसे मैं गाड़ी में बैठकर इशारा करूँ, इस रिमोट के बटन को दबाकर गायत्री और बादशाह के साथ सबको उड़ा दो। ओके। जाओ। गुड बाय। बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास। आई एम वेरी सॉरी सर। हेलो। बिल्कुल टाइम नहीं है। कौन बात है?